नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं नवा टाइम्स। इस वक्त हमारे साथ में है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राज नारायण सिंह, जिनसे जानेंगे कि किसान आंदोलन पर उनका क्या कहना है। पहला हमारा सवाल है कि किसान आंदोलन आखिरकार क्यों हो रहा है देश में, क्या वजह है, अपनी पार्टी की ओर से आप क्या पक्ष रखना चाहेंगे। राज नारायण सिंह जी बताइए। माननीय अमित कश्यप जी, आपके चैनल हंगामा चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि आज किसानों के साथ बहुत बड़ी जाति हो रही है, किसानों के साथ बहुत बड़ा भेदभाव किया जा रहा है। वैसे तो कृषि क्षेत्र में सदियों से प्रयोग होते चले आ रहे हैं, और जो भी कभी सत्ता में रहा है, चाहे वो रजवाड़े रहे हों, चाहे जमींदारी का प्रथा रही हो, चाहे ब्रिटिश काल रहा हो, और चाहे उसके बाद से, किसानों के साथ हमेशा प्रयोग किए जाते रहे हैं, खेती के साथ प्रयोग किए जाते रहे हैं। और आज ये नया प्रयोग जो किया गया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, यह है किसानों के बहुत ही नुकसान के लिए यह संशोधन किया गया है। इससे किसानों को बड़ा नुकसान होता है, और मेरा ये मानना है कि यह बहुत कुछ विदेशी ताकतों के दबाव में किया जा रहा है, ताकि बहुत सारे लोग धनाढ्य हो जाएं, खेती के माध्यम से धनाढ्य हो जाएं, और जो वास्तविक खेतिहर है वो कमजोर हो जाए, वो गरीब हो जाएगा। और हम चूंकि स्वयं भी एक किसान परिवार से आते हैं, तो मैं जानता हूं कि उत्तर प्रदेश में बहुत छोटे छोटे फ्रैगमेंट वाले बहुत छोटे छोटे किसान हैं, और उसमें खेती करने वाले, उसके साथ लगने वाले, रोजी रोटी चलाने वाले वह बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनके खेत ही नहीं है। लेकिन सिंह साहब, एक सवाल ये आपसे जानना चाहेंगे, आप पूर्व न्यायाधीश भी रहे हैं, क्या पहले भी आपके समक्ष इस तरह के किसानों के फैसले आपने लिए हैं? किन तरीकों की समस्याएं अक्सर कर किसान झेलते आते हैं, क्योंकि यहाँ पर पार्टियों के ऊपर सवाल उठाने की बात नहीं हो रही, यहाँ किसान हित को लेकर के बात हो रही। क्या कहना चाहेंगे आप अपने एक न्यायिक पक्ष की ओर से? किसानों के जो मैटर्स हैं वो छोटे छोटे विवाद तो गांव के आते रहते हैं, और वो कोई किसी के खेत में कब्जा करने का आता है, कहीं कुछ आता है, लेकिन जो पब्लिक पॉलिसी की बात होती है, जहां पर सरकारों का हस्तक्षेप होता है, ऐसे मामलात बहुत कम ही आते हैं। आपको भी याद होगा, यह किसान आंदोलन बहुत दिन बाद आपकी बात उत्पन्न हुआ है, और जो नया कृषि विधेयक में संशोधन किए गए, नए कृषि विधेयक बनाए गए हैं, उनको लेकर किए गए हैं। इससे हमारे देश का पूरा किसान आंदोलित है, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, क्योंकि यह बात धीरे धीरे उनके दिल में उतर गई है कि जो किसान विधेयक वर्तमान केंद्र सरकार के द्वारा पारित किया गया है, राज्य सरकार के द्वारा पारित किया गया है, वह उनके हित में नहीं है। उसका एक मुख्य कारण है कि कारपोरेट जगत आ जाएगी हिंदुस्तान में, और वह किसानों को किसानों के खेत में मजदूर बना देगी। यह सबसे बड़ा संकट है। और दूसरा जो किसान मंडी का है, वह एक दूसरा पहलू है। इसलिए ये मेरा मानना है और पार्टी का भी मानना है कि जो वर्तमान किसान विधेयक है वो किसानों के हित में नहीं है, और इसीलिए हमारी पार्टी की ओर से दिनांक 7/12/2020 को उत्तर प्रदेश के सारे जनपदों में ज्ञापन दिया गया है, धरना प्रदर्शन किए गए हैं कि ये सरकार, वर्तमान सरकार, इन काले कानूनों को वापस लेवे। तो जो किसान विधेयक बिल है, किसान न्यायपालिका में इस बात का विरोध भी कर सकते हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं, आप पूर्व न्यायाधीश भी रहे, तो क्या कहना चाहेंगे कि न्यायपालिका में जाकर के क्या किसानों को अपनी बातें रखनी चाहिए? क्योंकि न्यायपालिका एक ऐसी पालिका है जहां पर ना पॉलिटिकल पार्टीज की कुछ बातें चलती हैं, ना किसी तरीके की कुछ चलती हैं, तो किसान आंदोलन करने पे आखिर क्यों मजबूर है? क्या वह अपनी न्यायपालिका में भी तो बात रख सकता है? इस किसान विधेयक को पूरी तरीके से निरस्त करने का अगर अधिकार है तो न्यायपालिका ही को है। मान्यवर, आपका बहुत वाजिब प्रश्न है, और इस विषय में मैं ये बताना चाहूंगा, अगर मैं अपने को पार्टी से अलग करके भी बात करूँ आपसे, तो आप देखेंगे कि देश में तमाम स्थानों पर न्याय के विद, न्याय के जानने वाले तमाम वकील और कुछ पूर्व जजों ने भी इसके विषय में अपना मत प्रकट किया है, और किसानों के साथ अपना समर्थन व्यक्त किया है। इससे भी आप अर्थ लगा सकते हैं कि जो वर्तमान विधेयक है, किसान विधेयक है, जिसके बारे में इतना हंगामा चल रहा है, और आज आपके चैनल से भी हंगामा चल रहा है, तो यह किसानों के हित में नहीं है। और इसलिए
जो आपने अगला प्रश्न किया कि क्या किसान न्यायपालिका में जा सकते हैं, जरूर जाएंगे और जरूर जाएंगे। और हमें आज के हमारे संज्ञान में आया, जानकारी में आया है कि एक मैटर कोई पक्ष लेकर के न्यायपालिका में भी पहुंचा है। लेकिन हमारा मानना है कि जब देश की कल्याणकारी सरकार है, आज हम वेलफेयर स्टेट चला रहे हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत, तो किसानों के हित में प्रथम चरण में ही जो राजनीतिक दल सत्ता में है वो क्यों ना ऐसे स्टेप लेवे, ऐसे कदम लेवे जो किसानों के हित में हो। किसानों को इतना परेशान क्यों किया जाए, प्रताड़ित क्यों किया जाए। हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में दूर दराज से किसान आए हुए हैं, पंजाब से आए हुए हैं, विभिन्न स्टेट से आए हुए हैं, और सड़कों पर मजबूर हैं वो रहने के लिए, और उनके पास न तो उतना संसाधन है ओढ़ने के लिए, न बिछाने के लिए, न खाने के लिए, लेकिन फिर भी वो अपने हितों के लिए लड़ रहे हैं। तो ये जो हमारी कल्याणकारी सरकार है, वेलफेयर स्टेट है, जो संविधान के अच्छा, ये बताइए, जैसे पार्टी के जो नेता हैं वो ये भी कहते हैं कि किसान आंदोलन को राजनीतिक पार्टियां जो है वो हवा दे रहे हैं, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? मान्यवर, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं डॉक्टर राज नारायण सिंह, पूर्व जज, और मैंने लाभ में डॉक्टरेट भी किया है, और मैं वर्तमान में यद्यपि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, लेकिन मैं पूरी ईमानदारी के साथ आपको बताना चाहूंगा कि किसानों के हित में यह नहीं है बिल, और किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, और इसको लेकर ही किसान परेशान है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को, रूलिंग पार्टी को यह चाहिए कि किसानों के साथ मिल बैठ करके अर्जेंट इसका कोई सलूशन निकालें। आखिरकार आंदोलन किसी तरीके से जो किसानों की समस्या का वो समाधान हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में ये थे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राज नारायण सिंह, जिनसे हमने बात की और जाना किसान विधेयक का जो आंदोलन देश भर में चल रहा है, किस तरीके से किसान प्रताड़ित है, अपनी समस्याओं को सरकार तक के पहुंचाने के लिए पुलिस की लाठी खा रहा है, आंसू गैस के गोले भी झेल रहा है, और पानी की बौछारों को भी ठंड में वो झेल रहा है। तो यहाँ पर ये वेलफेयर की जो यहाँ हमने बात किया किसानों के हित की, बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रीय प्रवक्ता राज नारायण सिंह जी, आपसे बात।